आज मैं रेटिंग देखता आज़ादी सहाफत की, तो हम -6 पर चले गए, 139 पर आ गए हम, और इंडिया हमसे पूछे ऊपर है, हम कंबोडिया से भी नीचे हैं। डॉलर की जो कीमत थी वो 103 रुपए थी, सोना 49,500 रुपए था, पेट्रोल 64 से 100 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है, आटा जो 35 था आज 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, सोना कल जो 49,500 रुपए था वो आज 1,17,000 पर पहुंचा हुआ है, और डॉलर का जो करेंसी रेट है पाकिस्तान के मुताबिक वो 167.45 है। तो नासिर भाई चौधरी साहब, सबसे पहले आप ही बताइएगा, हुकूमत कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? अब इस जबरदस्त इंट्रो के बाद और आदाद व शुमार के बाद मेरा कुछ कहना तो बेकार है ना। ये अगर मैं इसको समराइज करूं आपके बताए हुए तफसीलात को, तो ये नेगेटिव ही नेगेटिव है, हर तरफ नफी नज़र आ रही है, -1, -2, -5 ग्रोथ रेट आप देख लें वो। अब दो साल गुजरेंगे, अभी गुजरेंगे दो साल, ये गलत बात है, मैं इस पर एहतजाज करता हूँ, अभी कई दिन बाकी हैं, अगस्त के कई दिन बाकी हैं, और जब अगस्त आएगा तो हम एक नोहा और पढ़ेंगे, वो नोहा कश्मीर का होगा, 5 अगस्त का नोहा होगा वो, और वो भी इसी दौर में हुआ है, इसी दौर में और सी बहुत सी बातें हुई हैं। तो भाई मोदी की जो दुआएं आपने खुद मांगी थी ना, खुदा करे मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये वजीर खारजा हमारे ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, क्योंकि आज भी तुरबत में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी आज फिर शहादतें हुई हैं, ये दाखला पॉलिसी है हमारी, क्योंकि हम अगर काबू नहीं पा रहे स्लीपर्स पर, मेरा वजीर खारजा कहता है स्लीपर मुतहर्रिक हो गए, तो भाई अपने स्लीपर भी तो मुतहर्रिक करो ना, वहाँ पर जाकर जवाब दो ना उनको, तो उनके स्लीपर मुतहर्रिक होने दे रहे हो, अपने रोके बैठे हुए हो अगर हैं तो। दूसरी बात ये कि चीनी, गंदम, आटा, दालें, ये सब एक अजीब, मतलब आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है। फिर आज मैं परसेप्शन देख रहा था, आज मैं रेटिंग देख रहा था आज़ादी सहाफत की, तो हम -6 पर चले गए, 139 पर आ गए हम, और इंडिया हमसे पूछे ऊपर है, हम उससे भी नीचे, हम कंबोडिया से भी नीचे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए ना आज़ादी सहाफत में हम कहाँ चले गए इन दो सालों में। तो इस पर खैर बाद में बात करेंगे जब दो साल पूरे हो जाएंगे कि क्या सूरत है, लेकिन जो कुछ आपने बताया, जो कुछ मैंने देखा, हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान इतना बड़ा गैप है, आज तक कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद बैठे हों। एक कॉन्फ्रेंस को होना था जिसमें प्राइम मिनिस्टर को आना था, लेकिन ऐन वक्त पे वो शर्मा के चले गए, और फिर आर्मी चीफ को उसमें आना पड़ा और ब्रीफ करना पड़ा। तो ये सूरत हाल ठीक है मोना, जो सूरत हाल हमने देखी है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खासी तनकीद का निशाना बनाया, और एस एन इकबाल साहब ने भी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दो साल की कारकर्दगी पर उन्होंने भी एक जहाज़ रिपोर्ट जरा अपने अंदाज में पेश कर दी। आप क्या सोचती हैं, आप किस तरह से देख रही हैं बहसियत पाकिस्तानी पीटीआई की, वज़ीर आज़म की इस दो साल कारकर्दगी को? आपको कुछ चीज़ें, इस किस्म के वाकयात दोबारा कुछ परवान चढ़ते हुए बदकिस्मती से नज़र आते हैं। बलूचिस्तान में भी वाकई ये बात सही है कि इस किस्म की खबरें वगैरह आ रही होती हैं, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली। अभी भी कोरोना वायरस से पहले भी कोई मईशत के अच्छे हालात तो नहीं थे, इनहेरिट हमने जिन हालात में की वो भी खैर हमें पता है, और जो फिर उसके बाद जिस तरह से ले जाया गया, क्योंकि एक बात ये होती है कि जब आप इलेक्शन से पहले जो एक वादे होते हैं या जो एक तकारीर होती है उनमें, और फिर जब आप आ जाते हैं इक्तदार में, तो उन चीज़ों में एक ज़मीन आसमान का फर्क होता है। एक बात ये है कि ये जो पार्लियामानी उमूर है ये बड़ी एक हमें कोई मवेशी मंडी की सूरत हाल दिखाते हुए नज़र आते हैं, कुछ समझ नहीं आता वहाँ कौन क्या बात कर रहा है, कौन आया कौन गया। ये गवर्नमेंट का यकीनन उनके ऊपर इसकी ज़्यादा ओनस है, उनके ऊपर इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस हालात को, इन माहौल को बेहतर करें, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे अभी एनबीसी ने बताया कि जब भारत के साथ इतनी सीरियस कॉन्फ्रंटेशन हमारी पिछले साल हुई थी, उस वक्त भी हमने इनको एक पेज पर नहीं देखा था। कोरोना वायरस जैसी संगीन तरीन सूरत हाल में मैंने कहीं दूसरी ऐसी मिसाल किसी मुल्क में नहीं देखी कि आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए अपोजिशन और गवर्नमेंट, भी यहाँ पर भी यही हाल था। जितने पॉइंट्स आपने सामने रखे हैं उसमें अगर मैं देखूँ तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी है, मतलब एक गवर्नेंस के हवाले से भी अलग इश्यूज़ हैं, मिसमैनेजमेंट के हवाले से भी अलग इश्यू हैं, तो आवाम के भी, महंगाई का भी आपने जिक्र किया, मतलब एक कहीं से भी हैप्पी नज़र नहीं आ रही है आप भी मुझे पीटीआई को लेकर। मैं साहब की तरफ बढ़ते हैं नज़रों में, साहब बताइएगा, अगर आप हर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को देखें वन बाय वन, मुतमईन हैं आप ये पीटीआई की दो साल कारकर्दगी से?
देखिए अभी तक मुतमईन कैसे आप हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत की दो साल गुजर गए हैं तकरीबन अभी हफ्ते भर में, अगस्त में शायद ये गवर्नमेंट वजूद में आई थी, अभी तो आज तो इलेक्शन का दिन था। तो दो साल में किसी किस्म की कोई डायरेक्शन जो है हुकूमत की वो वाजे नहीं दिखाई दी। अगर आप सबसे पहला देखिए, सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है आज भी और आज से कई साल पहले भी, वो मईशत का है, माशी तरक्की का है, नौकरियों का है, रोजगार का है, लोगों की वेलफेयर का है। आप उस शोबे में ही देख लीजिए, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। उसके बाद चलिए तैयारी नहीं भी थी, पहले उन्होंने अपने वो वजीरे खजाना को फारिग किया, फिर इनको मुशीर साहब को लेकर आए जो पहले भी गवर्नमेंट्स के सर्व कर चुके हैं। और अब आप देख लीजिए, आपके सामने है कि पाकिस्तान का की शरह तरक्की जो है वो मनफी दो है, मनफी एक या दो के करीब है। सरकारी आदाद शुमार कहते हैं कि पता नहीं पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव और समथिंग लाइक दैट है। सवाल ये कि बांग्लादेश में भी कोविड 19 का दबाव आया है ना, नेपाल में भी आया है, हिंदुस्तान में भी आया है, कोई हम अकेले थोड़ी है इस खत्ते में। तो क्या वजह है कि बाकी वो भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहां पर भी जो है वो आई है, दबाव आया है कोविड 19 का, माशी स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना कि पाकिस्तान में हो रहा है। ये वो गवर्नमेंट है, इसने वादा किया था। देखिए ना, अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहती हैं तो एक करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा किया गया था। और ये बात मैं वो उस तरह से नहीं कह रहा है, ये खुद उनके बयानात हैं, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, 100 दिन के वादे थे, उनमें से आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए, 1 करोड़ नौकरियां तो कुछ यहाँ पर तो नौकरियों से लोगों को निकाला गया है, सरकारी नौकरियों से भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और इसी तरह आप घरों का भी देख लीजिए, अभी 2 साल हो गए हैं, अभी वो कभी कहते हैं एक स्कीम करेंगे, कभी कहते हैं दूसरी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ये है।